हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि 50% इंटरनल असेसमेंट, 50% प्रीवियस रिजल्ट। तो इस चीज़ का जो है हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा इस बात से, तो आप हमें एग्जांपल देके समझा दीजिए। तो वो चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगी, चाहे वो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, डिस्टेंस वाले हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए ये वीडियो है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप कोई भी जैसे आपका कोई डाउट होता है तो मैं वो भी क्लियर करती हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होती है मैं वो भी देती हूँ आपको। उसके अलावा कॉमर्स पे जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करवाती हूँ और हरियाणा जीके पे मैं लेक्चर प्रोवाइड करवाती हूँ, तो वो भी आप मेरे चैनल पे जो अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि किस किस टॉपिक्स पे जो है मेरी वीडियो होती है। तो वहाँ जो अगर आपको यूज़फुल लगे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये वीडियो अगर यूज़फुल रहे आपके लिए तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को भी लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो बात करते हैं फर्स्ट रेगुलर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी। तो देखो, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी जो मार्क्स दिए जाएंगे उनको, वो उनके सिर्फ मैंने बताया था कि इंटरनल असेसमेंट पे। अब मान लो उनकी इंटरनल असेसमेंट टोटल जब हम करेंगे, टोटल उनकी कितने परसेंट बन रहे हैं इंटरनल असेसमेंट से, उनके मान लो एग्जांपल 80% जो उनके इंटरनल असेसमेंट से बन रहे हैं, तो उनको बस वो इंटरनल असेसमेंट के बेस पे ही मार्क्स दिए जाएंगे। अगर इंटरनल असेसमेंट 80% बन रही है मतलब उनको 80% मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्टेंस वाले जो फर्स्ट ईयर के, चाहे वो एम कॉम फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो बी कॉम फर्स्ट ईयर, यानी कोई भी कोर्स हो लेकिन फर्स्ट ईयर है डिस्टेंस वाले जो प्राइवेट से करते हैं, उनकी बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो उनके जो है 2020 मार्क्स के टेस्ट हुए होंगे कुछ टाइम पहले यूनिवर्सिटी में, है ना। तो वो जो 2020 मार्क्स के आपके टेस्ट हुए थे उसके बेस पे जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, मान लो जो उनका जो आपका रिजल्ट आया था, मान लो उसमें जो आपके हैं 70% मार्क्स आए हैं जो वो 2020 मार्क्स वाले टेस्ट हुए थे, तो अब उसी के बेस पे जो है आपके मार्क्स जो है अभी जो फाइनल जो भी रिजल्ट है वो उसी के बेस पे निकाला जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, और इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, एक लड़की का मेरे पास कमेंट आया था कि ये चीज़ गलत है, हमारे एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने चाहिए, हम क्या पता इससे अच्छा स्कोर कर सकते थे, इम्प्रूवमेंट कर सकते थे हमारे रिजल्ट से, जो क्या पता जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है बट अब की बार हमने क्या पता हम अच्छे मार्क्स लेके आते। तो उनकी कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूँ, UGC ने भी और यूनिवर्सिटी ने भी एक चीज़ बोली है कि जैसे कि अगर आपका रिजल्ट आ जाता है जो भी, जैसे इस बेस पे जो भी मैंने यहाँ पे ये बताऊंगी मैं, तो इसके बेस पे जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद जब आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा और आपको लगता है कि आपके रिजल्ट में आपने जो है इम्प्रूवमेंट करनी है, आप और ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो जब कोरोना की सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी आप जो है कॉलेज जाओगे, कॉलेज में जाके अप्लाई करोगे, डिमांड करोगे कि मैंने जो है भाई दोबारा एग्ज़ाम देना है, मैंने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना है एंड देन सब कुछ, ठीक है। तो वो सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करेगा और फिर जो आप इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो और आप जो है इम्प्रूव कर सकते हो अपने मार्क्स, तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है, इस चीज़ को लेकर जो है टेंशन ना लें। अगर मैं बात करूं जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स हैं उन सब की मैं इसमें बात करूँगी, तो जो भी उनका प्रीवियस रिजल्ट है प्लस जो उनकी इंटरनल असेसमेंट है, मान लो उनके प्रीवियस रिजल्ट में उनके जो है 80% मार्क्स आए थे और उनकी इंटरनल असेसमेंट है उसमें जो है उनके 80% हैं, राइट। हमने किसकी बात करी है यहाँ पे, इंटरनल असेसमेंट कितनी है 80% है और जो है प्रीवियस रिजल्ट भी इनका 80% है या फिर जो भी है, मान लो जो आप अपना लेके देख लेना। उसके बाद जो है उसके अंदर जो आपके 50-50% ऐड होंगे, यानी 50% आपने अपने प्रीवियस रिजल्ट का करना है प्लस 50% आपने अपनी इंटरनल असेसमेंट का करना है। अगर 80% का हम 50% निकालेंगे 40%, और यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट हमारी कितनी थी 80%, तो 80 का अगर हम 50% करेंगे यानी उसका हाफ करना है, ठीक है आधा कर दो, तो 80% का अगर हम करेंगे 50% तो कितना हो गया 40%, तो ये हमारे इंटरनल का 50% और ये हमारा हो गया प्रीवियस रिजल्ट का 50%, राइट। सो 40% टोटल कितना हो गया हमारा 80%, यानी जो हमारा फाइनल रिजल्ट जो हमारा बना वो कितना बना 80% बना, यानी 50% आपका प्रीवियस रिजल्ट ऐड हो गया, 50% आपकी इंटरनल असेसमेंट ऐड हो गया और दोनों को मिला के आपका क्या बन गया फाइनल रिजल्ट तैयार हो गया है। सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में
पूछ लेना मुझसे। वैसे मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट किया कि भाई आपको समझ आ जाए, इजी वे में मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब जो यहाँ पे ये लिखा हुआ प्रीवियस रिजल्ट, अब जो है मैंने कॉलेज के प्रोफेसर से ही पूछी थी ये चीज़ कि जो हम यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि प्रीवियस रिजल्ट का क्या मतलब है। जैसे मैं अगर एम कॉम फाइनल ईयर में हूँ तो मेरे थर्ड ईयर सेकेंड थर्ड जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है और जो हमारा सेकेंड और फर्स्ट सेमेस्टर है मतलब लास्ट के तीनों सेमेस्टर हैं, क्या वो तीनों सेमेस्टर ऐड होंगे। तो उन्होंने बोला ये चीज़ अभी जो है कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, तब भी जो है यूनिवर्सिटी से गाइडलाइंस आएंगी उसके बाद पता चलेगा। और वैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रीवियस रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट का मतलब तो ये हुआ जो हमारे लास्ट सेमेस्टर में था, बाकी देखते हैं क्या होता है। बट जो इन्फॉर्मेशन जो ये 50-50% वाला जो था ये मैंने आपको क्लियर यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। यही मैंने आपको बताना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।